वी द पीपल, हम भारत के लोग, जो स्पोक्स हैं, स्पोक्स पीपल हैं, ये वीडियो उनके लिए है। स्पोक्स पीपल बनने का जो प्रोसीजर है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में ऐसी संभावना देखता है, ऐसे गुण देखता है जो समाज के हित के लिए हो सकते हैं, सामाजिक काम के लिए हो सकते हैं, अपने कल्याण के लिए हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति जो पहले से स्पोक्स है, वो उस दूसरे व्यक्ति का नाम प्रपोज करता है स्पोक्स हाउस में, यानी सदन में करता है। तो स्पोक्स है क्या, पहले स्पोक्स समझ लें। स्पोक्स का मतलब होता है वक्ता, प्रवक्ता, यानी कि जो वक्तव्य हमारे महान पुरुषों ने दिए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं, या जो बुद्ध ने दिए हैं, या जो हमारे सभी संतों ने दिए हैं, या जो संविधान के अंदर लिखे गए हैं, उन वक्तव्य को, उन आर्टिकलों को, उन सूत्रों को, उन दोहों को बताने वाले लोग, उनको अपने जीवन में अप्लाई करने वाले लोग, उनको यहाँ इंग्लिश में स्पोक्स कहा गया है, हिंदी में आप उनको प्रवक्ता बोल सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही विदा पीपल में स्पोक्स है, महान पुरुषों की बात को बताता है, उनका प्रवक्ता है, वक्ता है, जब वो किसी व्यक्ति में ऐसे गुण देखता है कि वो व्यक्ति भी महान संतों के, महान महापुरुषों के, या संविधान के, या बुद्ध के, विनय पीटक के, या उनके जितने भी सूत्र हैं उनके नियमों को बताने लायक है, या बता रहा है अपनी भाषा में पहले से, तो ऐसे व्यक्ति को वो देखता है, परखता है। फिर यहाँ जितने स्पोक्स बैठते हैं, वो चाहे वर्चुअल मीटिंग है, चाहे एक्चुअल मीटिंग है, तब वो कहता है कि फलाने आदमी को मैं जानता हूँ, ये आदमी बहुत अच्छा है, इस आदमी के बारे में ये जानकारी है, और मैं इसका प्रस्ताव करता हूँ कि इसको भी हमारे जैसी जिम्मेदारी दी जाए, हमारे जैसे कर्तव्य दिए जाएँ, हमारे जैसे अधिकार दिए जाएँ, जैसे कि स्पोक्स के जितने लोग हैं उन्होंने आपस में तय किया हुआ है संविधान के आधार पर, भारत के संविधान के आधार। जब वो प्रस्ताव करता है, अगर प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, तो वो व्यक्ति उन जैसा जिम्मेदार, उन जैसा अपनी ड्यूटी को निभाने वाला, सामाजिक ड्यूटी को निभाने वाला बन जाता है संवैधानिक नियमों के अनुसार। उसको जिम्मेदारी मिल जाती है जो सारे लोग मिलकर उसको देते हैं, सारा हाउस, सारा सदन मिलकर उसको देता है, और उसकी हैसियत और उसके अधिकार और उसके जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य, वो हाउस के बाकी लोगों की तरह ही हो जाते हैं। प्रस्ताव अगर पास ना हो तो उसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है, वो नियम उसके बने हुए हैं, वो आगे प्रोसेस में चला जाता है, होल्ड भी हो सकता है, या सवाल जवाब के लिए या जानकारी के लिए रोका जा सकता है, वो हाउस का अपना काम है जो वो करता रहता है। तो किसी व्यक्ति को स्पोक्स में बनाना या स्पोक्स लाना हाउस के अंदर, उसको वक्ता प्रवक्ता बनाना, ये दूसरे स्पोक्स के हाथ में है, यानी हर एक स्पोक्स जो बने हैं वो और भी लोगों के लेके आ सकते हैं, उनका प्रस्ताव, उनका प्रपोजल हाउस में दे सकते हैं। बिना प्रपोजल, बिना प्रस्ताव के कोई भी व्यक्ति हाउस में मेंबर नहीं बन सकता, सदस्य नहीं बन सकता, हाउस पास करेगा तभी वो व्यक्ति बन सकता है। ये नियम सभी जितने स्पोक्स हैं उनकी जानकारी में होता है, जिनको नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ लें। स्पोक्स के जो कर्तव्य हैं, वो विदा पीपल में जो लोग हैं जो संवैधानिक आधार पर अपना कल्याण कर रहे हैं, वो समय समय पर बताए जाते हैं, वो बाकी स्पोक्स से पता कर सकते हैं कि उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या काम करने की उनकी ड्यूटीज़ हैं, और जो उनके अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो भी समय समय पर बताए जाते हैं, जो सभी स्पोक्स और सभी लोगों के द्वारा, यानी जितने भी मेंबर होते हैं उनके द्वारा पारित होते हैं, उनके द्वारा अनुमोदित होते हैं। जो स्पोक्स का हाउस लगता है, स्पोक्स की सभा लगती है, उसके अंदर वो प्रस्ताव आते हैं, तब वो नियम बनते हैं, तब वो रूल बनते हैं, तब वो लॉ पास होता है। तो स्पोक्स के आने के नियम भी हैं जो आपको बताए जाएंगे, या आप किसी जानकारी ले सकते हैं, और स्पोक्स के जाने का नियम भी है, यानी कोई स्पोक्स अगर काम नहीं करता है या कुछ
ऐसा काम करता है जो सारे स्पोक्स के लिए या भारत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो जा भी सकता है, कि जाने के नियम भी हैं। स्पोक्स जितने भी होते हैं उनको स्पोक्स के नाम से बुलाया जाता है, इसका मतलब प्रवक्ता है। आप हिंदी में कह सकते हैं प्रवक्ता बोल सकते हैं, वक्ता बोल सकते हैं। सभी की हैसियत बराबर होती है, सभी मेंबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। खुद अपने नियम बनाते हैं, खुद बहुमत से पास करते हैं और संवैधानिक आधार पर करते हैं। जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो संविधान से है। आप कह सकते हैं कि संविधान इन सारे स्पोक्स का लीडर है, कोई व्यक्ति इनका लीडर नहीं होता। किसी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी कैसी भी लगे संविधान के अनुसार, वो बहुमत से ही लगती है। जब सारे लोग बहुमत से पास करते हैं तब वो जिम्मेदारी उसको मिलती है, या किसी की जिम्मेदारी अगर हटाई भी जाती है तो वो पूरी सभा में पास होती है तब वो जिम्मेदारी हटाई जाती है। जितने भी स्पोक्स हैं वो सब अपना खर्चा अपने आप उठाते हैं, उनके हिस्से में खर्चा आता है, खर्चा कहीं बाहर से नहीं आता, इसलिए बहुत कम खर्चा करते हैं, जैसा कि भगवान बुद्ध ने विनय पिटक के नियम से बताया हुआ है। तो कम से कम खर्चे में काम चलाते हैं और अपना खर्चा अपने आप ही उठाते हैं, कहीं किसे स्पोक्स के अलावा कभी किसी से बाहर से नहीं मांगते, क्योंकि ऐसा कोई नियम अभी है नहीं। स्पोक्स में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे स्पोक्स फैमिली होते हैं, यानी स्पोक्स के परिवार जैसे होते हैं, वी द पीपल फैमिली होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को परिवार की तरह ही ट्रीट करते हैं और परिवार की तरह ही एक दूसरे को लाभ देते हैं और फायदा देते हैं। जितने भी स्पोक्स हैं जो नए आते हैं उनको नियम बताए जाते हैं, पुराने स्पोक्स उनको नियम बताते हैं। अगर किसी स्पोक्स का कहीं कोई प्रस्ताव लाना है तो पहले जो स्पोक है वो उसको सारी की सारी जानकारी दे। जैसे आपने किसी और व्यक्ति को इस सभा में लेके आना है, या मुझे किसी व्यक्ति को इस सभा के अंदर, इस सदन में, इस हाउस में लेके आना है, वी द पीपल के हाउस में, तो मैं उस व्यक्ति को पहले पूरी जानकारी दूंगा कि वी द पीपल ऐसे काम करता है, वी द पीपल का तरीका यह है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं होता, इसका नेता संविधान है, ये नेता के अनुसार चलता है, इसका खर्चा हम सब मिलकर उठाते हैं, ये हमारे अपने कल्याण और वेलफेयर के लिए हैं, और ये कभी भी व्यक्तिवाद पर नहीं जाएगा, इसमें कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होगा, यहाँ सारे बराबर होते हैं, चाहे किसी की कैसी भी हैसियत समाज के अंदर है, और यहाँ सभी समर समाज के लोगों का स्वागत है, और हम सब इकट्ठे हो रहे हैं बहुत तेजी से, ताकि हम अपने भविष्य को और भारत के भविष्य को और मजबूत कर सकें, बढ़ा सकें, और जो हमारे अधिकार चले गए हैं वो वापिस आ सकें, और जो अधिकार जाने वाले हैं वो रुक जाएं, और जो मुसीबत आने वाली हैं वो टल जाएं, इसके लिए हम बहुत तेजी से इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा जानकारी जिस भी स्पोक को लेके आना है उसको पहले दें, फिर सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट लें कि आपको अगर ये स्वीकार है, ये बात स्वीकार है, तो मैं आपका नाम हाउस में प्रपोज करूंगा। हाउस में जब नाम आपका प्रपोज होगा तब आप स्पोक्स बनेंगे। ऐसा सभी स्पोक्स जान लें। सारी जानकारी व्हाट्सएप पे होती है, व्हाट्सएप के अलावा फ़ोन पे हो सकती है, अभी यही सिस्टम है। जब प्रिंट में होगी या जब पोर्टल पे आएगी तो अब आपको मिलेगी। जानकारी मिलने के रास्ते एक दूसरे से एक दूसरे के पास पहुँच रहे हैं और बहुत तेज़ी से पूरे देश के सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जितने भी स्पोक्स इसमें जुड़े हैं उनमें कुछ स्पोक्स इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं, जो वेट एंड वॉच में देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ स्पोक्स ऐसे हैं जो अभी इस जानकारी से बड़े परे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको प्रपोज किया है उन्होंने पूरी जानकारी बताई उनको है नहीं, तो वो अपनी सारी जानकारी उनको दे देंगे, ऐसा मानकर चला जाता है। सभी स्पोक्स जानकारी से लबरेज होंगे, पूरी जानकारी उनको होगी, और अगर नहीं होगी तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेंगे, जानकारी ले लेंगे। इसलिए जिस भी स्पोक्स को आप अब यहाँ इंट्रोड्यूस कराएं या प्रस्ताव लेके आएँ तो उसको सबसे पहले बता दें, सारी जानकारी इसको दें, उसकी कंसेंट लें, उसकी सहमति लें, उसके बाद सदन में, स्पोक्स हाउस में उसको प्रपोज करें। धन्यवाद।